वेली गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं सेल कुमकुम भाग्य के बारे में। कुमकुम भाग्य में मजेदार दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झट से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, कुमकुम भाग्य में जहाँ एक तरफ इधर कोर्ट केस रहता है, यानी कि इधर कोर्ट केस का अनाउंसमेंट रहता है, वही इधर नेत्रा पहुंच चुकी होती है और बोलती है जज को कि मैं एकदम सहमत हूँ इधर आर्य से शादी करने के लिए। वही इधर पूर्वी को लगता है झटका, क्योंकि पूर्वी मनाने की कोशिश करती है नेत्रा के बॉयफ्रेंड को, लेकिन फिर वो भी नहीं मानता है। अब इधर कोर्ट ने जजमेंट सुना दिए, यानी कि इधर कोर्ट जजेस ने जजमेंट सुना देती है और बोलती है कि आरवी जेल में तो नहीं रहेगा, लेकिन ये तो बात तय हो गई कि नेत्रा को शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 9 दिन के अंदर कर देनी चाहिए नेत्रा और आरवी की शादी। वो ये बात सुन के पूरी को लगता है झटका और सभी घर वालों को लगता है झटका। वो देखने में ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ आरवी और नेत्रा की शादी की प्लानिंग शुरू हो रही है और इससे मोनिशा बहुत खुश है। वह इधर दूसरी तरफ दिखाता है कि पूर्वी लाती है एक नया ट्विस्ट, यानी कि पूर्वी ढूंढेगी 9 दिनों में सारी सबूत और नेत्रा को प्रूफ करेगी रॉन्ग कोर्ट के सामने और आरवी को करेगी इनोसेंट प्रूफ। वह देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कैसे करेगी पूर्वी, क्या लेगी वो अपनी माँ की हेल्प या वो लेगी केके की हेल्प। देखने में ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि बहुत जल्द हमें ये भी पता चलने वाला है कि केके और प्राची का वापसी नहीं होने वाला। तो दोस्तों, देखने में ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर किस तरीके से दिखाएगा इन दोनों की डेथ या इन दोनों को कैसे हटाएगा कुमकुम भाग्य शो से। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया हेल्प वृंदा मैजिक करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब तक लिए थैंक यू।